गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वैधई, रिमझिम, प्रीति, अरुण और वरुण ये सबके सब एक साथ मॉल में जाते हैं और काफ़ी अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। फिर नेक्स्ट डे स्कूल आते हैं, जहाँ स्कूल में भी इनका रेगुलर डेज जो चल रहा रहता है वैसे ही चलता है। पर इस रेगुलर डेज के ड्यूरेशन में जो चाहत रहती है वो वैधई से काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रही रहती है, लेकिन वैधई थोड़ा इग्नोर करती है चाहत को, क्योंकि वो डर रही रहती है कि अगर प्रीति को ये बात पता चली तो अच्छा नहीं होगा। और इस बात पे ना चाहत को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा रहता है। और जब उसे बुरा लग रहा रहता है तो अनन्या को ये देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि चाहत अपसेट हो रही है उस वैधई की वजह से। तो एक दिन जो वैधई रहती है वो चाहत उसके पास आती है, तो वैधई उससे बोलती है कि हाय चाहत। तो चाहत बोलती है व्हाई यू आर इग्नोरिंग मी ऑल द टाइम, यार क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं तुमसे बात करने आ रही हूँ तो तुम मुझसे इतना दूर क्यों जा रही हो। तो वैधई कहती है नहीं चाहत, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मुझे तो अच्छा लगता है आपसे बात करना, वी आर फ्रेंड्स। तो कहती एग्जैक्टली वी आर फ्रेंड्स, सो व्हाई यू जस्ट इग्नोरिंग मी ऑल द टाइम, हाँ किसी ने मना किया है क्या? और मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, तुमने उस बारे में भी कुछ आंसर नहीं दिया, और दो दिन से ऐसा दिख रहा है कि तुम मुझे इग्नोर ही करे जा रही हो। मैं तुम्हारे पास बात करने आती हूँ, तुम रिमझिम के साथ कहीं और चली जाती हो। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बातें करना पसंद है। अगर तुम्हें फ्रेंडशिप रखनी है तो अच्छे तरीके से रखो, नहीं रखनी है वैधई तो सीधे के सीधे मना कर दो। तो वैधई को भी ये फील होता है कि उसने कहीं ना कहीं चाहत के साथ इनजस्टिस करी है, और उसने बुरा फील किया क्योंकि प्रीति को बुरा ना लगे इस चक्कर में वो कहीं ना कहीं चाहत को हर्ट कर रही रहती है। तो वो चाहत का हाथ पकड़ती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो मैं ना तुमसे पढ़ नहीं सकती हूँ क्योंकि प्रीति मुझे पढ़ा रही है, अगर मैंने अभी तुमसे पढ़ाई स्टार्ट करी तो प्रीति को बुरा लग जाएगा। यार प्रीति यार मेरी दोस्त है, और सच बोलूँ चाहत तो वो आपसे पहले से है, तो यार मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती, और मैंने प्रीति से आपके बारे में बात किया था कि आप मुझे पढ़ाना चाहते हो और चीज़ें हैं, तो पर प्रीति ने मना करा, प्रीति ने कहा कि जब मैं हूँ तो ज़रूरत नहीं है किसी की। तो चाहत हंसते हुए बोलती है हाँ तो ठीक है ना यार, इसमें व्हाट्स अ बिग डील, तो तुम मुझे ये बात क्लियरली बोल सकती थी ना, ऐसे इग्नोर करने की क्या ज़रूरत थी। और ठीक है ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे देखो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये था कि वैधई आप जितना प्रोग्रेस कर रहे हो उससे ज़्यादा प्रोग्रेस करो। मुझे लगा था कि शायद प्रीति ने आपको सिर्फ यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ाया था, बट अगर वो आपको ऑल टाइम अगर वो आपकी स्टडीज़ पर ध्यान देना चाहती है, आपकी हेल्प कर रही है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ आपका चाहती थी कि ग्रोथ हो। तो वैधई अगर वो प्रीति करे या मैं करूँ इट डजेंट मैटर। तो वैधई को ना जब चाहत की ये सारी बातें जब वो सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और काफ़ी मैच्योरिटी वाली फीलिंग आती है उसे, और उसे इतना अच्छा लगता है कि जो चाहत ने कोई भी चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लिया, उसने बहुत पॉजिटिव वे में लिया और उसने उल्टा चिल्लाया भी नहीं। तो ये बात सुनकर ना वैधई को इतनी खुशी होती है कि वैधई उसे हक करती है। जब वैधई उसे हक कर रही रहती है चाहत को, तो दो लोगों की आंखों में इतना गुस्सा और तड़प जो बोलते हैं ना वो दिख रही रहती है। हाँ वो और कोई नहीं, प्रीति और अनन्या रहते हैं। प्रीति और अनन्या को ये बात अच्छी नहीं लगती है, तो प्रीति अनन्या की तरफ देख के बोलती देख चाहत को, देख चाहत को ऐसे करी। तो जो अनन्या कहती है हाँ हाँ ठीक है मैं चाहत को तो देख रही हूँ, पर तुझे नहीं दिखता कि वैधई हक कर रही है? तो प्रीति को भी लगता है कि हाँ यार वैधई हक कर रही है, तो उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि हाँ मैं बताती हूँ ना वैधई को कि बहुत ज़्यादा हक करने की आ रही है। तो वहीं पर अनन्या कहती है तो मैं चाहत को बताती हूँ अभी बहुत ज़्यादा आ रही है, जब मैं उससे पता है बात करने जाती हूँ तो इतना भाव खाती है, और जो उसको भाव नहीं देता ना तो उनके पीछे ही घूमती रहती है, मैं सब बताती हूँ। तो यहाँ जो प्रीति और अनन्या दोनों एक दूसरे से मतलब क्या बातें कर रहे रहते हैं, ये दोनों एक दूसरे की बातों को ध्यान ही नहीं देते। उन लोगों का एक्चुअल में फोकस सिर्फ ये रहता है कि ये चाहत को नहीं जाना चाहिए था अनन्या को,
और जो हमारी प्रीति रहती है उसे ये ध्यान रहता है कि वैदेही को नहीं जाना रहता है, पर दोनों ऐसा क्यों फील कर रहे हैं इस बात पे दोनों को पता नहीं चलता है। प्रीति जिस तरीके से सिर्फ ये बोले जा रही रहती है कि वैदेही उसकी अच्छी दोस्त है, तो इतनी जेलसी क्यों? और अनन्या को तो पता ही नहीं रहता कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, उसे तो चाहत से फ्रेंडशिप करनी है और वो उसे नहीं कर रही रहती है, तो उसे इतना गुस्सा आ रहा रहता है। थोड़ी देर में जो वैदेही है वो दूर होती है चाहत से और उसे कहती है कि यार फ्रेंड्स, तो वो कहते हैं यस फ्रेंड्स फॉरएवर, कभी भी ज़रूरत पड़े मैं हूँ, और प्रीति को हर्ट मत करा करो, प्रीति बहुत क्यूट है, क्यूट सी छोटी सी डॉल है। तो कहती है कि हाँ यार, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू जस्ट टेक एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। तो वो कहती है ऑफ कोर्स। ये कह के जो वैदेही है वो अपने रिमझिम से बात करने लग जाती है, तो रिमझिम पूछती है कि क्या बात चल रही थी चाहत से, तो वो उसे सारी बात बताती है कि ये सारी बात होती है। तो रिमझिम भी कहती है यार काफ़ी अच्छी है चाहत, मतलब समझदार है। तो कहती है हाँ यार समझदार है, तभी तो यार मेरी उसकी इतनी अच्छी बाउंडिंग होती है। कहती है हाँ, लेकिन बाउंडिंग के साथ ये भी याद रख ले कि कोई काफ़ी ज़्यादा गुस्से से तेरे को देख रहा था। तो वो कहती है यार पर मैंने क्या किया, अब कौन गुस्से से मुझे देख रहा था? वैदेही कहती है। तो प्रीति रिमझिम कहती है प्रीति देख रही थी वो, देख उसका चेहरा गोल गप्पू का। तो कहती है यार एक तो तू उसे गोल गप्पू कहना बंद कर। तो कह रही है अभी देख उसका चेहरा, वो पूरा गोल गप्पू है, देख गुस्से वाली गोल गप्पू, देख ना, देख चेहरा देख। तो वैदेही अपनी, पहले तो वो थोड़ी डर चुकी रहती है, फिर वो अपनी थोड़ी सी नज़र उठाकर देखती है, तो सच्ची में प्रीति गोल गप्पू लग रही रहती है और काफ़ी गुस्से में। तो अरुण कहता है यार सच्ची में गोल गप्पू है यार, देखना कितने गुस्से में। तो कहती है हाँ यार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। तो प्रीति अपना चेहरा इधर से टर्न करती है और अपना काम करने में लग जाती है। दूसरी तरफ जो चाहत रहती है वो बैठी रही रहती है, तो कहीं ना कहीं उसे हर्ट होता है, मतलब उसे उस समय उसने वैदेही के सामने बहुत पॉजिटिव वे और कॉन्फिडेंस वे में बातें कर ली रहती है, कि ये सोच कर कि वैदेही को हर्ट ना हो अगर वो थोड़ा इस तरीके से करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ी हर्ट होती है। तो जो चाहत रहती है वो किसी से बात नहीं कर रही रहती है, वो कॉपी खोल के अपना मतलब कॉपी की तरफ देख रही रहती है। तो अनन्या को तो गुस्सा आ रहा रहता है चाहत के ऊपर कि वो क्यों जाती है। तो एकदम से अनन्या उसके सीट के बाजू में बैठती है, जो एक्चुअल में आस्था की सीट रहती है, पर आस्था कहीं गई रहती है, तो तब तक वो बेंच खाली रहती है, तो उसकी बाजू में बैठती है। और वो जैसी बोलने वाली रहती है चाहत, और उसका जो बोलने का तरीका गुस्से में होता है, और गुस्से में बोलती है चाहत, तो चाहत नहीं देख रही रहती है। तो अनन्या कहती है यही बात तुम्हारी अच्छी नहीं लगती है मुझे, जब देखो मुझे इग्नोर करती रहती हो, पता नहीं उन लोगों के पास जाके क्यों बैठते करती हो कि जो तुम्हें इग्नोर करते हैं। वैदेही तुम्हें इग्नोर करती है लेकिन फिर भी तुम्हें वैदेही चाहिए, मैं तुमसे इतने प्यार से बात करती हूँ लेकिन तुम्हें तब भी नहीं दिखता है, दिस इज़ वेरी अनफेयर यार, तुम्हें मैंने सिर्फ दोस्ती तो करनी थी ना मुझे तुमसे, तुम मेरी दोस्ती भी एक्सेप्ट नहीं करती हो और उधर जाकर देखती हो। तो वो एकदम से बोलती है यार चाहत मेरी बात तो सुनो, और वो अपना हाथ उसके कंधे पर रखती है। तो वो जैसी उसी तरफ देखती है तो चाहत की आंखों में से आंसू आ चुके रहते हैं और वो गिर रहे रहते हैं कॉपी में। तो अनन्या को अच्छा नहीं लगता, तो अनन्या एकदम से बोलती क्या हुआ चाहत, सॉरी सॉरी मैंने ना कुछ ज़्यादा गुस्सा कर दिया, अरे आई एम रियली सॉरी, मेरा मेरा ये इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का चाहत, चाहत आई एम रियली सॉरी, पर तुम रो मत ना यार प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता यार चाहत, प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुनो चाहत, आई एम रियली सॉरी चाहत, मेरी बात तो सुनो यार यार प्लीज़। तो चाहत कुछ नहीं बोल रही रहती है, अनन्या को समझ में नहीं आ रहा रहता है कि क्या उसने इतना गंदे तरीके से गुस्सा किया जिसकी वजह से चाहत को हर्ट हुआ। तो वो चाहत के सामने, चाहत का फेस अपने साइड करती है और अपने कान पकड़ के उसे सॉरी बोल रही रहती है, चाहत कुछ रिएक्ट नहीं करती है। फिर वो काफ़ी ज़्यादा उसे सॉरी बोलती है, फिर वो बोलती है कि चाहत यार अच्छा नहीं लगता ना कि अभी ऐसे सबके सामने मुर्गा बनूं, अभी ये मुर्गा बनूंगी यार तो अच्छा नहीं लगेगा, और प्लीज़ मुझे मुर्गा मत बनाओ, वो अभी मुर्गा बन के सॉरी बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगता ना, काफ़ी लोग हैं क्लास में,
हम जब अकेले में होंगे ना तो मुझे मुर्गा बना देना, पर प्लीज अभी तो यार मुर्गा मत बनने पे मजबूर करो। तो चाहत जब उसकी ऐसी क्यूट सी बातें सुनती है कि मुर्गा बनने की, तो एकदम से कहती है, अनन्या तुम लड़की हो तुम मुर्गी बनोगी। तो अनन्या कहती है, अरे तुम्हें जेंडर की पड़ी है पर मुर्गी बनाना अच्छा लगेगा क्या तुम्हें? तो वो कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं है। और चाहत एकदम से हंसने लगती, बोलती यार तुम क्यों मुर्गी बनोगी, तुमने किया क्या है जो तुम्हें मुर्गी बनना है? तो कहती यार मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया। तो चाहत बोलती है, नहीं आपने मुझे हर्ट नहीं किया है और मैं उस बात पे नहीं हूँ, मुझे बस थोड़ा चीज़ें बुरी लगी। तो वो कहती है, हाँ फायदे की बात पे बुरी लगी। तो चाहत उसकी तरफ देखकर बोलती है कि अनन्या आपको कैसे पता? तो कहती है, यार मैं ऑब्जर्व सब चीज़ करती हूँ, मुझे दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वैदेही के साथ बातें करना, वैदेही के साथ घुल मिलना पसंद है। तो कहती है कि हाँ यार मुझे वैदेही पसंद है, क्योंकि वैदेही ना बहुत कूल है, कॉपरेटिव है, अच्छा लगता है उसके साथ बात करना, और मतलब जोक भी अच्छे क्रैक करती है, अच्छी है, मस्ती मजाक वाली है, काफ़ी मस्ती खोर है। पर वो 2-3 दिन से इग्नोर कर रही थी मुझे, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। देखा मैंने। तो वो कहती है, क्या देखा आपने? तो कहती है, देखा मैंने कि वो आपको इग्नोर कर रही थी तो आप फिर भी उससे बात करने जा रहे थे। पर चाहत एक बात बोलूं? तो चाहत बोलती है, हाँ अनन्या कहो। कहती है, जिस तरीके से आपको फील हुआ कि जब कोई आपके पीछे इतना घूमता है और आप उसे इग्नोर आपको कोई इग्नोर करता है तो कैसा फील होता है, वैसी मुझे भी फील होता है जब आप मुझे इतना इग्नोर करती हो। आपको नहीं लगता कि मैं सिर्फ आपसे फ्रेंडशिप रखना चाहती हूँ और आप मुझे इतना इग्नोर करते हो? मैं बात करने आती हूँ तो नहीं करते हो। और जो वैदेही है वो प्रीति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, वो प्रीति के लिए डेडिकेटेड है और प्रीति को बहुत अच्छी दोस्त मानती है। वो इतनी पागल है प्रीति के लिए कि वो लड़ाई झगड़ा भी कर लेती है किसी से भी। और प्रीति, नहीं पता मुझे, मैंने कभी प्रीति के साइड से इतना वैदेही के लिए कुछ नहीं देखा। एग्जैक्टली यार यही बात तो मुझे अच्छी नहीं लगती है कि प्रीति उसके लिए इतना नहीं करती है, पर फिर भी वैदेही को इतना क्यों उसके लिए फ्रेंडशिप चाहिए? और मैं देखो इतने अच्छे से खुद होकर उससे बात करती हूँ तो वो नहीं देती है इम्पोर्टेंस। अनन्या बोलती है कि यही तो बात है, आप नहीं समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं भी तो आपके पास इतने अच्छे से आती हूँ पर आप ही तो मुझे इग्नोर करते हो। वेल, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बट रोया मत करो, रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो। पीरियड आस्था भी आने वाली है, मैं जाती हूँ। ये बोलकर अनन्या चली जाती है और वो प्रीति के बाजू में जाकर बैठ जाती है और लेक्चर ऐसे स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब लेक्चर चल रहे रहते हैं तो चाहत को ये बात उसकी मतलब दिमाग में गूंज रही रहती है कि मैंने भी मतलब वो भी अनन्या के साथ वैसी बिहेव करती है। तो वो काफ़ी ज़्यादा सोचती है उस लेक्चर के ड्यूरेशन में और उसे समझ में आता है कि उसने कितना ज़्यादा तरीके से अनन्या को अवॉइड किया, अनन्या के साथ मिसबिहेव किया। अनन्या उससे स्वीट तरीके से बात करने आती थी पर उसने एटीट्यूड दिखाकर उसे गंदे तरीके से बोला। तो ये बात चाहत को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। चाहत तो खुद पे थोड़ा गुस्सा आता है कि यार वैदेही ने कहीं ना कहीं उसे वो चीज़ उसके साथ ट्रीट करके ये चीज़ बता दी कि जब आप किसी के साथ इग्नोर करते हो तो कितना हर्टफुल होता है। तो लेक्चर पूरा ख़त्म हो जाता है, स्कूल भी पूरा ख़त्म हो जाता है। तो जब जा रहे रहते हैं तो चाहत एकदम से अनन्या का हाथ पकड़ के बोलती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो अनन्या बोलती है कि अभी तो छुट्टी का टाइम है, कल बात करें? तो कहती है कि नहीं ज़रूरी है। तो कहती है, और मेरी बस मिस हो जाएगी। तो कहती है, यार 5 मिनट की बात है। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है चलो बोलो जल्दी। तो कहती है, साइड में तो चलो। तो कहती है, अब ऐसी क्या बात करनी जो साइड में लेकर जाना है?
तो वो कहती है अरे यार प्लीज, तो जो चाहत का हाथ पकड़ी रहती है अनन्या, तो अनन्या कहती है अरे हाथ तो छोड़ दो, चल रही है। तो कहती है ओ सॉरी, हाँ चलो। फिर ये लोग एक साइड में जाते हैं, मतलब जब क्लास पूरी खाली हो चुकी रहती है, तो एक साइड में एक छोटा सा बोल सकते हो आप कि कॉरिडोर टाइप का रहता है, छोटा सा रहता है, वहाँ पर खड़े होते हैं। तो वो बोलती है आई एम सॉरी, तो अनन्या बोलती है सॉरी फॉर वॉट? तो बोलती है यार मैंने ना आपको बहुत इग्नोर किया और मेरा बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं था और मुझे इस बात के लिए बुरा लगा, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो वो कहती है इट्स ओके, मुझे आदत हो गई है आपके ऐसे बिहेवियर के लिए। तो कहती है यार अच्छा नहीं लगता, आज वैद्य ने जब मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे समझ में आया कि इग्नोर करना नहीं। तो कहती है मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अनन्या कहती है इट्स ओके फाइन, सब होता है। तो कहती है फ्रेंड्स? तो कहती है कि हाँ फ्रेंड्स, और वैसे भी तुम अभी क्यों फ्रेंडशिप के बारे में बोल रही हो, तुम अभी फ्रेंड बना रही हो, मैं तुम्हें पहले से ही फ्रेंड मानती हूँ, तो मेरे लिए कुछ नहीं है। और हाँ जैसी हो वैसी रहो, किसी के लिए चेंज मत होना, मेरे लिए भी नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारा ऐसे ही बिहेवियर की आदत हो चुकी है, अब मुझे ऐसी अच्छी लगती हो तुम। और ये बोल के अनन्या फटाक से अपनी बस पकड़ने के लिए जाती है। चाहत हंसती रहती है, चाहत बोलती है कितनी पागल इंसान है ना ये, मतलब पागल ही है पूरी, अगर अच्छे से बात कर रही हूँ तो भी नहीं पसंद, हाँ जब इसके साथ ऐसे बिहेव करती हूँ तो इसे अच्छा लगता है, अजीब ही है, अजीब नहीं काफी ज्यादा अजीब है। तो चाहत भी वहां से चली जाती है। वैदई आती है अपनी बाइक स्कूटी लेकर और बोलती है प्रीति से चलो बैठते। तो प्रीति बोलती है कि नहीं नहीं चाहत के साथ हग कर लो, चाहत को अच्छे से गले लगा लो। तो प्रीति हंसने लग वैदई हंसते हुए बोलते यार वो ना यार हग करने में क्या प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स ही तो हैं तो हग तो कर सकते हैं ना। तो कहते हैं हाँ इतने टाइटली हग कौन करता है फ्रेंड्स में, मैंने देखा है मैं किसी को हग करती हूँ। तो वैदई बोलती है पहले बैठ जाओ गाड़ी में, चलते चलते लड़ाई कर लेंगे, क्योंकि लड़ाई तो ख़त्म होने वाली नहीं है, और अगर तुम ऐसी खड़ी रही तो तुम घर कैसे जाओगी। तो प्रीति उसके पीछे बैठ जाती है और स्कूटी चल रही रहती है। तो वो लड़ते हुए बोलती है कि हाँ हाँ बोलो। तो कहती है कि और हग करो, करो ना हग। तो वो बोलती है अरे यार मुझे नहीं करना है हग यार, ऐसा कुछ नहीं था, और तुम कितनी गोलगप्पू की तरह ऐसे लाल लाल हो रही हो। तो प्रीति कहती है व्हाट डू यू मीन बाय गोलगप्पू, और ये वर्ड कहाँ से आ गया गोलगप्पू। तो वो बोलती है अरे वो ना प्रीति और रिमझे प्रीति रिमझिम और अरुण आपको गोलगप्पू कहते हैं, और सच्ची में आज तो पक्का एंग्री गोलगप्पू लग रही हो आप सच्ची में। तो प्रीति कहती है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, अब मुझे गोलगप्पू बोलना ये सब बंद करो। तो कहती है यार हम तो फ्रेंड्स हैं ना, फ्रेंड्स में तो मस्ती मजाक चलता ही रहता है। तो कहती है हाँ फ्रेंड्स ही है, और फ्रेंड्स अगर किसी को हग करे तो प्रॉब्लम थोड़ी ना है, और हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं, तो अगर मैंने चाहत को हग कर लिया तो क्या गलत किया, पहले ही कहती है। अब प्रीति के पास जवाब नहीं रहता, वो ये सोचती है हाँ फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स में हग किया तो चलता है ना, पर वो उससे पहले कुछ कहे उसका घर आ जाता है। और प्रीति बाय बोलकर अंदर चली जाती है, और वो काफ़ी ज़्यादा सोचती है यार मैं इसे कैसे रोकूं, ये मुझे हर बार ऐसे बोल देती है कि फ्रेंड्स हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्रीति ये कन्फ्यूजन से अंदर चली जाती है, वैद्य अपने घर चली जाती है। ये दिन भी डेली रूटीन की तरह बीत जाता है। नेक्स्ट डे जब स्टार्ट होता है, स्कूल से स्टार्ट होता है, सब जाते, तो जो प्रीति रहती है वो बैठी हुई रहती है बहुत अपसेट तरीके से। तो जो वैद्य रहती है कभी उसका पेन उठा लेती है, कभी उसकी चोटी खींचती है, और कभी उसको बोलती गोल गप्पू, और उसके गालों को ऐसे चिक्स करके चली जाती है। तो वो कोई ना कोई हल्के हल्के तरीके से टच करती है और उसे मस्ती मजाक करती है। पढ़ाई में भी सबका ध्यान रहता है, मस्ती मजाक चलती है, और वैदई रिमझिम सबके सब मस्ती मजाक कर रहे रहते हैं क्योंकि बैक बेंच में रहते हैं। चाहत भी कहीं ना कहीं हर बार अनन्या को वैसे ही इग्नोर करती है, बोलती है कि यहाँ क्यों आई हो बैठने। तो अब अनन्या और चाहत को भी एक दूसरे की ऐसी लड़ाई झगड़े वाली आदत हो चुकी रहती है। दूसरी तरफ जो निशांत रहता है वो भी आस्था के साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा रहता है,
इन लोगों का तो कपल रहते हैं तो एक क्यूट क्यूट मोमेंट्स करना, लाइक कभी चॉकलेट्स लेकर आना, कभी उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आना, चलता रहता है। तो ऐसी करीब 1-1.5 हफ्ते ऐसे बीतते हैं। और प्रीति को भी अब वैद्य की वो टच की आदत हो चुकी रहती है कि वो जब भी आती है उसे उसके बालों को खींच देती है, कभी कभी उसके चीक्स पे हाथ डालती है, कभी उसे गुदगुदी करते हुए चली जाती है। तो हर चीज़ की आदत हो चुकी रहती है। पर 1 हफ्ते के बाद मैम अनाउंस करती हैं कि पिकनिक पे जाना है। और पिकनिक बहुत मतलब पिकनिक जो रहती है वो एक दिन का नहीं रहती है, या फिर आप पिकनिक कह दो या फिर ट्रिप कह दो, तो उनकी 2 दिन की ट्रिप रहती है और स्कूल की तरफ से ले जा रहे रहते हैं। तो ऑल ऑफ देम आर डैम एक्साइटेड रहते हैं कि कहाँ जाना है क्या है। तो वो उन्हें अच्छे से घुमाने के लिए बहुत ब्यूटीफुल प्लेस लेकर जाते हैं, जैसे वाटरफॉल होता है, थोड़े से पहाड़ी एरियाज होते हैं, वहाँ लेकर जाना रहता है। और बहुत मतलब बहुत मज़ेदार वाली ट्रिप रहती है। मैम उन्हें सब कुछ बताती हैं कि इस दिन हम निकलेंगे, फिर 2 दिन हम रुकेंगे, और वहाँ पर आपके खाने पीने का भी है। और ट्रिप अगर स्कूल की तरफ से होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो होती नहीं है, तो वो बोलती है कि सबके सब 500-500 रुपये लेकर आएंगे इस ट्रिप के लिए। तो मैम सब कुछ बता देती हैं। तो जो प्रीति रहती है वो भी एक्साइटेड रहती है। अनन्या से बोलती है कि यार ट्रिप तो अच्छी दिख रही है, चलेगी ना? तो अनन्या कहती है हाँ यार ऑफ कोर्स चलेंगे, क्यों नहीं जाएंगे यार, ट्रिप का तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि अब बहुत स्कूल में बहुत बोर हो चुके हैं, कुछ एडवेंचर भी नहीं हो रहा है। तो कहती है हाँ यार, मतलब ट्रिप तो अच्छा है यार, और अपना स्कूल तो अपन को इतनी अच्छी ट्रिप दे रहा है, इधर लेकर जा रहा है। पता है मेरी जो दोस्त है ना, वो उसकी जो स्कूल वाले तो उसको बस ये पास में लेकर गए थे, 1 दिन का ट्रिप था। वो जो झूले वगैरह वहाँ पर लेकर गए थे, फन सिटी में लेकर गए थे, फन सिटी में घूम कर आ गए। तो कहती पर अपने वाले तो यार अपन को फन सिटी वो पूरा घुमाएंगे फिराएंगे, फिर हमें स्टे भी करा रहे हैं, काफ़ी अच्छा है यार, अपना स्कूल बेस्ट है, अपन को अच्छे से दिखाया जा रहा है। जब अनन्या ये सारी बातें प्रीति को बता रही रहती तो प्रीति भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है क्योंकि ट्रिप के लिए, क्योंकि 2 दिन अच्छी है यार, मतलब काफ़ी अच्छा ट्रिप है, अच्छी बात है यार, कोई मुझे भी ले जाए। हाँ तो मतलब बहुत अच्छा रहता है। आस्था और निशान भी एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं क्योंकि उन दोनों के अंदर ऐसी चीज़ रहती है कि ट्रिप में साथ में घूमेंगे, साथ में जाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और बहुत अच्छा रहेगा। रिमझिम अरुण तो बोलते हैं यार मज़ा आने वाला है इस बार, तो बहुत मस्ती करेंगे यार, वैदई इस बार ना कुछ धमाका करेंगे, बहुत हो गया यार, बहुत बोरिंग हो गई है लाइफ। तो कहती है हाँ यार, वो जो राइड वाला होता है ना उस राइड पे चढ़ेंगे, वो जो ड्रैगन राइड होती है ना वो राइड पे चलेंगे, वहाँ से होगा, वो वाटरफॉल का जो हाई लेवल का वाटरफॉल है ना वहाँ से वहाँ पे जाके खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे। तो ये लोग अपनी अलग प्लानिंग कर रहे रहते हैं। प्रीति अनन्या जो चाहत रहती है वो थोड़ी सी अपसेट होती है, उसका मूड नहीं रहता है जाने का। तो वो कहती है कि हाँ, तो अनन्या एकदम से जाती है उसके पास और चाहत को बोलती है कि तुम चल रही हो ना? तो कहती है कहाँ? कहते अरे अभी तो पिकनिक के बारे में बताया, मतलब ट्रिप पिकनिक एक ही बात है। तो वो कहती है कि नो मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं जाना है, मैं क्या करूँगी, आई मीन आस्था तो निशान के साथ रहेगी इन्वॉल्व, तो तुम प्रीति के साथ रहोगी, मैं अकेले थोड़ी बोर हो जाऊँगी, तो मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे नहीं जाना है। अनन्या कहती है अरे तो ऐसा कुछ नहीं है यार, वी आर द फ्रेंड्स ग्रुप, ऑफ कोर्स वी विल गो एंड मस्ती, अब यार तुम ऐसे ही सोचोगी तो कैसे चलेगा। और फिर यार एक टाइम के बाद तो यार सब अपनी स्टडीज़ वगैरह में हो जाएंगे, ये स्कूल का ही टाइम तो होता है जो हमें याद आता है, एंड इट्स अ ग्रेट टाइम टू क्रिएट सम मेमोरीज यार। फिर बड़े होंगे तो फिर हम सोचेंगे कि यार क्या हमारी लाइफ जी रहे हैं, यहाँ पर तो हम अच्छा है ना कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिएंगे, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए आ जाओ, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें पक्का बोर नहीं होने दूंगी, ट्रिप में तुम्हें कभी अलोन नहीं फील होने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ ऑल टाइम रहूंगी, प्लीज़ प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ चल लो मेरे साथ। अनन्या काफ़ी अच्छे से रिक्वेस्ट कर रही रहती है चाहत को। तो चाहत कहती है अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो प्रीति के साथ कौन रहेगा? और प्रीति का तो कहती प्रीति भी हमारे साथ रहेगी। तो
वो तब का तब देखेंगे ना यार, जरूरी थोड़ी ना है कि दो फ्रेंड्स ग्रुप ही होता है कि दो एक दूसरे के साथ रहें, तीन लोग भी तो साथ रह सकते हैं ना। प्लीज यार प्लीज चलो ना यार, चाहत यार प्लीज चलो ना यार, नहीं जाओगे ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा प्लीज। चाहत बोलती है सोच कर बताऊंगी, तो अनन्या कहती है इतना भाव मत खाओ। हाँ तुम्हें आदत ही हो चुकी है इतना भाव खाने की, मैं तुमसे बहुत प्यार से बात करती हूँ ना, तो तुम्हें आदत हो चुकी है। तो चाहत कहती तो मत किया करो बात, मैंने थोड़ी ना कहा है कि मेरे पास आओ और बात करो, जाओ। तो अनन्या को थोड़ा सा हर्ट होता है कि यार एक तो मैं बोल रही हूँ और ऊपर से कर रही है। तो जो अनन्या होती है वो उठ के चली जाती है, तभी चाहत उसका हाथ पकड़ के बोलती है कहाँ जा रही हो? तो कहती तुमने तो बोला जाओ, अब क्या अब जा रही हूँ तो प्रॉब्लम हो रही है? जा रही हूँ मैम, नहीं आना है तो मत आओ ट्रिप में, इतना भाव मत खाया करो जब भी देती हूँ तो। चाहत खड़े होकर बोलती है तो तुम इतना भाव दिया ही मत करो कि मैं खाऊं, और वैसे भी ठीक है नहीं खा रही हूँ, आ जाऊंगी ट्रिप में ओके, अब इतना रोतलू सा मुंह मत करो, और तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती हो, और अगर मैं तुम्हारी वजह से रोई तो तुम्हें मुर्गी बनना पड़ेगा। तो कहती नहीं बनूंगी मैं मुर्गी, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं है इस बार, मैंने तुम्हें थोड़ी ना रुलाया, तुम खुद रो रही हो अपनी मर्जी से तो रो, मेरी क्या है, जा रही हूँ मैं। तो अनन्या ऐसे बोल कर चली जाती है। तो चाहत हंसते हुए बोलती पूरी पागल है यार, पूरी की पूरी पागल है, खुद ही बोलती है खुद ही करती है, और गई। फिर ऐसे वो दिन भी बीत जाता है जहाँ पर ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। 2 दिन के बाद ट्रिप स्टार्ट होती है। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, कैसे होगी ट्रिप, क्या होगा, और मैं भी एक्साइटेड हूँ ट्रिप के लिए। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सॉरी वीडियो थोड़ी शॉर्ट है क्योंकि मुझे कुछ काम है। नेक्स्ट टाइम से हम देखते हैं कि ट्रिप में कितना मज़ा आने वाला है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड शेयर माई स्टोरी एंड कमेंट्स लॉट्स ऑफ, थैंक यू, बाय बाय।